बीच में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों से। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफटी न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सिद्धार्थनगर में देश के विभिन्न प्रदेशों में उपचुनाव में बीजेपी की जीत व बिहार में एनडीए की पूर्व बहुमत मिलने में भाजपा के लोगों ने खुशियां मनाई। विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने जमकर खुशियां मनाई व एक दूसरे को मिठाई खिलाई। विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि यूपी में योगी का डंका बज रहा है, 2022 में यूपी के चुनाव में बीजेपी को पूर्व बहुमत की सरकार बनेगी। देश के विभिन्न प्रदेशों में हुए उपचुनाव, बिहार में बनी एनडीए की सरकार और उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का बजा डंका की प्रसन्नता से सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी हिंदू संगठन के अभिभूत थे और उसी प्रसन्नता को आपस में बांटने के लिए हम लोगों ने यहाँ मिष्ठान वितरण करके आप में खुशी मनाई और विजयोत्सव का कार्यक्रम किया कि अब उत्तर प्रदेश में जो 7 सीटों में 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है और सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि कोई भी सीट 17,000 से कम वोटों से हम नहीं जीते हैं, 17,000 से लेकर 35,000 तक। इससे यह सिद्ध हो गया कि आने वाला भविष्य 2022 का पुनः उत्तर प्रदेश में और भारी बहुमत से योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। आज धनतेरस का दिन है, बहुत बड़ा पर्व होता है हमारे हिंदू समाज में। हम कुछ गरीबों को प्रशासन के द्वारा जो पट्टे की व्यवस्था एक अभियान के क्रम में डुमरियागंज में चलाया जा रहा है उसमें कुछ गरीबों को जमीन का पट्टा देने